JACC moved quickly to ensure no other guilty person could escape. Our first step was to try and locate the dog so that she could be moved to emergency critical care in an air-conditioned section under our finest vets and support staff with over 20 years' experience. She would have needed to be stabilized, put on oxygen, and had her temperature controlled. Plus, we needed to record her medical condition for our police case. Unfortunately, amidst the ensuing public outrage and panic and confusion caused by the multiple calls coming in to and fro from all over, as you can see in the video footage, Deeksha, Bhuvesh and Sachin seemed to react by taking the dog out of the premises without telling anybody. Sadly, precious time was lost. आप यहाँ कितनी देर तक थे? तकरीबन पूरे टाइम पर थी, एक घंटा यहाँ पे गुजरा रहा आप सबके साथ। उस दौरान किसी ने आप पे कोई प्रेशर, दीक्षा को कोई प्रेशर डाला, किसी को शेल्टर वालों ने कुछ धमकी दी दीक्षा को, या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। आईसीयू में सिर्फ मैं थी, कोमल थी, दीक्षा, भूपेश और सचिन भैया, हम पांच जने थे। फिर मेरे को लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि दीक्षा ठीक है, दीक्षा ठीक है, और लोग तो मेरे को भी बोल रहे थे कि मतलब मेरे को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है या जो भी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कईयों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो की दूर करी है, वो यहाँ से वहाँ के लेटर हेड से FIR करवा रही थी। ठीक है, दीक्षा और भूपेश से कोई संपर्क हुआ उसके बाद? उसके बाद नहीं, बस दोपहर में एक बार कॉल आया था उसका मेरे को। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हम मैसेज है यहाँ पर हैं। कहाँ पे? ये पुलिस स्टेशन थाने में। और जो आवृति मैडम भी वहीं थे। ठीक है, ओके। तो और तो कुछ नहीं हुआ ना यहाँ? उनको कोई, किसी ने यहाँ पे धमकी दी या किसी ने उनको यहाँ पे कोई प्रेशर लगाने की कोशिश की? मैं सचिन, मैं संजय गांधी में जॉब करता हूँ एज अ केयर टेकर। एक मिस हैपनिंग हुई थी हमारे साथ में और हमारे एक बच्चे के साथ में, बट वो हमें केवल नॉलेज ना होने के कारण से हम थोड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारे साथ में। तो हम उस बच्चे को थोड़े गलत रास्ते से, हमने उस बच्चे को सोचा तो यही था कि हाँ शायद हमारी कोशिश से वो बच्चा बच जाएगा, बट हम जब जा रहे थे उसको बच्चे को लेकर के, तो ऑन द वे डॉक्टर के पास ले जाते वो बच्चा एक्सपायर हो गया है। देखिए, एक बात तय है कि हम पैनिक थे, हमने किसी की नहीं सुनी उस टाइम पर, थोड़ी गलती ये थी। FIR उन्होंने करवा दी थी जब PCR यहाँ पर आई थी, खुद संजय गांधी के लेटर हेड पर उन्होंने FIR करवाई है उन तीनों लोगों की। ठीक है, हम गलतफहमी में थे कि हमें लग रहा है कि हाँ मेरे वे लोग हमें कुछ कहेंगे या नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं इस टाइम संजय गांधी में ही हूँ और मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, जहाँ तक कि उन लोगों ने अपने मेरे कहा।